मोदी सरकार ने हर संभव प्रयास किया कि महामारी से जुड़े सही आंकड़े किसी के सामने न आए और वो महामारी नियंत्रण पर अपनी पीठ थपथपा सके। लेकिन सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्था लैंसेट की रिपोर्ट ने कोरोना महामारी द्वारा मचाई गई तबाही का एक और पक्ष पेश किया है। लैंसेट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के मामले में भारत का विश्व में तीसरा नंबर है। मेक्सिको और ब्राजील के बाद भारत में 1,19,000 बच्चे कोरोना की वजह से अनाथ हो गए। 90,751 बच्चों ने अपने पिता को खो दिया, यानी परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत हो गई। वहीं 25,500 के सिर से उनकी मां का साया उठ गया। अगर इन आंकड़ों में माता पिता के अलावा पालन पोषण करने वाले अभिभावकों की मौत भी जोड़ दी जाए तो भारत में ये आंकड़ा 1,86,000 तक जा पहुँचता है। यानी देश में लगभग 2,00,000 बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। हालांकि ये काम सरकार का है। लैंसेट की इस रिपोर्ट में इन अनाथ हुए बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाकर इनकी देखभाल की जरूरत बताई गई है, ताकि इनको असामाजिक होने से बचाया जा सके। लेकिन मोदी सरकार का ध्यान अभी भी ध्यान भटकाने में है, तो इन बच्चों का ध्यान वो शायद नहीं रख पाएंगे।